ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जब एक दिन दादी वहाँ गए हुए थे बाहर सेवा पर, तो मंदिर में कोई पुजारी आया, पुजारी के पास भक्त। उसने कहा, ये क्या लगा रखा है? झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र था, कल्प वृक्ष का एक था, और त्रिमूर्ति के नीचे सृष्टि चक्र था, झाड़ गोला जिसको बाबा कहते। उसकी नज़र ईसा मसीह पे पड़ गई, तो कहता है कि आपको पता है, ये सब बहनें बेवकूफ़ बना रही हैं, ये सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रही हैं। उस समय तो ईसाई धर्म का बहुत प्रचार था, नंस बहुत अपना प्रचार करती थी, इन्होंने वेशभूषा बदल लिया है। देखिए, नंस भी सफ़ेद कपड़ा पहनती है और ये लोग का भी सफ़ेद है, केवल पहरवाइस अंतर कर दिया है। ये सनातन धर्म का ज्ञान नहीं दे रही। देखो, ईसा मसीह बैठा, ये कन्वर्ट कर रही धर्म में सबको, सनातन धर्म का आड़ लेकर के। इनको निकालो यहाँ से। वो इस पुजारी के दिमाग में इतना भर दिया, तो पुजारी तैयार बैठा है कि अब वहाँ उनसे कहें अपना उठाओ यहाँ से ताम झाम। कहती, जब मैं लौट के आई 12:30 कि अब चल के दो टिक्कर बनाएंगे और खाएंगे, तो जा कर के खाना ही कहाँ मिलेगा। कहता, कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं खाना है, निकलो अभी यहाँ से, उठाओ अपना ताम झाम, जो भी झोला थैला उठाओ यहाँ से निकलो। बहुत समझाएं, नहीं नहीं हम सनातन धर्म के हैं। तो पुजारी कहे, हम अब किसी कीमत पे नहीं मानेंगे, अगर आप सनातन धर्म की हैं तो ईसा मसीह का इसमें क्या काम था, इन सबको क्यों रखा है, उठाओ यहाँ से। मजबूर वहाँ से निकल आए भूखे प्यासे। तो देखो, दादियों का त्याग, कैसे सेवा किया। आज तो सब बनी बनाई पर हम लोग बैठे हैं, तो निकले। अब फिर वही तांगा किया, तांगे वाले से पूछा, भैया यहाँ कोई रहने की जगह मिलेगी? कहा, हाँ एक धर्मशाला है जमुना नदी के पास में, कल ले चलो। अब वहाँ से गए जमुना नदी के किनारे धर्मशाला में, बाबा को समाचार दिया, तो बाबा ऊपर से डांट लगा रहा है, तुम रेड बकरी थी क्या जो निकल आई वहाँ से? तुम शेरनी शक्तियाँ, पुजारी के कहने से तुम निकल आई, रेड बकरी हो क्या? अभी रेड बकरी और बाबा सुना रहा, ताकत भर रहा है, तो क्या कह सकते थे। जब वहाँ गई तो धर्मशाला बहुत पुरानी थी, उसमें दादी बताते कोई दरवाज़ा नहीं था, ना रूम में दरवाज़ा, ना नहाने जगह गुसलखाने में दरवाज़ा। का ऐसा क्यों रखा है? कहते, देवी जी यहाँ बहुत तरह के मुसाफिर आते हैं, तो कोई यहाँ कोई गलत काम ना हो इसलिए कोई दरवाजे नहीं रखे हैं, किसी को लेके आए और कुछ करें। अब क्या करें? और वो कि ना लिपाई, ना पुताई, ना सफाई। कहती, जब सोते थे तो जाले से रहूं गिरते थे, मुँह काला हो जाए, इतना गंदा वो धर्मशाला। अब नहाने कहाँ जाएं? तो जमुना जी में सुबेरे अंधेरे में जाती थी, तो दादी कहे हम लोग वहीं जाए और जाके कपड़े धो लें। और दो बहनें मिल करके एक कोना खुद पकड़ें, एक मनोहर दादी, तो ऐसे हिला हिला के सुखा सुखा के फोल्ड करके रख लें, फिर वहीं गंगा घाट पे बैठ जाएं। तो जो कोई स्नान कर नहीं जमुना घाट पे, तो उसको फिर ज्ञान सुनाती थी। ऐसे करते 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 दिन काफ़ी निकल गया, फिर नवरात्रि आ गई, तो एक भक्त आया, कहा, देवी जी नवरात्रि शुरू हुई है। वो 5 किलो देसी घी लाया, 5 किलो सूजी लाया, 5 किलो चीनी लाया। कहा, ये 9 दिन तुम्हें ये हलवा बना बना के खाना है मेरी तरफ से। अब दादी को यज्ञ याद आया, तो वो दादी ने यज्ञ को पहुंचाया, थोड़ा रखा, बाकी यज्ञ में भेज दिया। तो उस समय तो सस्ता पहुंचाया, कैसे पहुंच गया कि हम तो यहाँ हलवा खाएं और हमारे यज्ञ में तो बस बैठे हैं।